लंबी रेस के लिए एनबीसी बियरिंग्स 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। शो है T20 का किंग कौन, और करीब 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ गया जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि T20 का किंग कौन। मुकाबला है 2 टीमों के बीच और वो दोनों टीमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके फाइनल तक पहुंची हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद। ये है फाइनल का लाइनअप, यानी इन दो टीमों ने लंबा एक सफर तय किया लीग मैचेस का, उसके बाद प्लेऑफ, और प्लेऑफ के बाद आज वो खिताबी लड़ाई, यानी आज मिलेगा क्रिकेट फैंस को आईपीएल 2024 का नया चैंपियन। दोनों ही टीमें दो दो बार ये खिताब जीत चुकी हैं, यानी इससे पहले केकेआर के खाते में भी 2 ट्रॉफीज हैं और हैदराबाद की टीम के पास भी 2 ट्रॉफीज हैं। जो बड़ा फर्क है वो ये कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसी नाम से दोनों ट्रॉफी जीती हैं, जबकि हैदराबाद की टीम ने जब पहली बार खिताब जीता था तब उसका नाम डेक्कन चार्जर्स हुआ करता था। आपको याद दिला दें, वो साल था 2009 का, आपको अच्छी तरह याद होगा, भारत में आम चुनाव का समय था, आईपीएल दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था और वहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर जीता था डेक्कन चार्जर्स ने खिताब। वो हैदराबाद की किस्मत में या उसके हाथ में आई पहली ट्रॉफी थी। उसके बाद 2016 में जब डेविड वार्नर कप्तान थे तब उन्होंने दूसरी बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया था और तब उस टीम का नाम सनराइजर्स हैदराबाद हो चुका था। दिलचस्प बात यह है कि हमेशा की तरह इस लीग में जो कुछ बड़ी शानदार नोकझोंक चलती हैं, उसमें से एक नोकझोंक यह भी रहती है कि देसी खिलाड़ी बनाम विदेशी खिलाड़ी। आज का जो मुकाबला है, आज का जो फाइनल है, वो इस लिहाज से भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपके सामने श्रेयस अय्यर की टीम होगी और उसके साथ साथ टीम होगी पैट कमिंस की। श्रेयस अय्यर इकलौते ऐसे कप्तान हैं जो 2 अलग-अलग टीमों को फाइनल तक का सफर तय करा चुके हैं। 2020 में उन्होंने दिल्ली की टीम को फाइनल तक का सफर तय कराया था, लेकिन वहां उन्हें जीत नहीं मिली थी। आज एक बार फिर उनकी कप्तानी में टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की पहुंची है फाइनल में। दूसरी तरफ पैट कमिंस हैं। इन दोनों ही कप्तानों का जो इस वक्त का स्टेचर है, इस समय जो इनकी उपलब्धियां हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। श्रेयस को 2 अलग-अलग टीमों को फाइनल तक ले जाने का श्रेय हासिल है। इसके अलावा जैसा हमने बताया, 2020 में वो लेकर गए थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, वहां पर उनको हार मिली थी, और 2023 वर्ल्ड कप के बाद उनको चोट लगी थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुए थे, लेकिन इन सब चीजों से ओवरकम करते हुए उन्होंने इस सीजन में अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया है। दूसरी तरफ आप देखिए, पैट कमिंस हैं जो बहुत ही शानदार कप्तानी कर रहे हैं और खास तौर पर पिछले एक साल में तो उन्होंने हर वो ट्रॉफी जीती है जहां पर वो फाइनल खेलने गए हैं, चाहे वो एशेज को रिटेन करने की बात कर ली जाए जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट खेला जाता है, या फिर आप बात कर लें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जहां भारतीय टीम के फैंस को ही उन्होंने मायूस किया था, और फिर 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल वो कौन भूलेगा जब 19 नवंबर को करोड़ों क्रिकेट फैंस की आंखें जो है वो भर आई थी और पैट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने के लिए जीत को जो है वो हासिल किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज दोनों कप्तान जब भिड़ेंगे उससे पहले दोनों कप्तानों ने क्या कहा है। श्रेयस अय्यर का बयान पहले देख लेते हैं। श्रेयस अय्यर ने कहा, मुझे लगता है कि गंभीर को खेल के बारे में जबरदस्त समझ है, उन्होंने 2 बार कोलकाता को चैंपियन बनाया है, विरोधी टीम के खिलाफ कैसी रणनीति बनानी है हम उसका साफ नजरिया, उनका जो नजरिया है वो साफ तौर पर देखने को मिल जाता है। आपको बता दें, इस सीजन का ये बहुत बड़ा चेंज था और जिस बारे में श्रेयस अय्यर बात कर रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए क्योंकि जो इस सीजन में यानी 2024 के आईपीएल सीजन में जो 5 आप सबसे बड़े बदलाव पाएंगे, या बल्कि 3 जो सबसे बड़े बदलाव पाएंगे उस पर अगर बात करेंगे तो शायद पहला बदलाव होगा रोहित शर्मा का कप्तानी से हटना, मुंबई इंडियंस के लिए उसकी कमान दिए जाना हार्दिक पांड्या को। दूसरा बड़ा होगा चेन्नई सुपर किंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ का कप्तानी करना, महेंद्र सिंह धोनी का कप्तानी से हटना, और तीसरा मेंटोरशिप में अगर आप बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से निकलकर वापस कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जाना गौतम गंभीर का। भूलना नहीं चाहिए कि गौतम गंभीर की कप्तानी में ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 बार खिताब जीता है, और अब जो श्रेयस अय्यर कह रहे हैं उस बयान को अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूं तब आप समझ पाएंगे कि आखिर गौतम गंभीर की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। मुझे लगा कि गंभीर को खेल के बारे में जबरदस्त समझ है, उन्होंने 2 बार कोलकाता को चैंपियन बनाया है, विरोधी टीम के खिलाफ कैसी रणनीति बनानी है इस
उनका साफ नजरिया, इस पर उनका साफ नजरिया हमेशा देखने को मिलता है। यानी वो जो लीग मैचेस हो, चाहे आप प्लेऑफ हो, आप देखें लीग मैचेस में जिस तरह से 9 मैच जीते थे कोलकाता की टीम ने, सिर्फ 2-3 मैच ऐसे थे जिसमें उसको हार मिली। 2 मैच भूलिएगा नहीं, बारिश की भेंट चढ़ गए थे। फिर जब प्लेऑफ का समय आया और क्वालिफायर 1 आया, वहां पर कोलकाता ने सबसे पहले मैच जीता और पहला ही जो मौका उसके हाथ में आया उसने उसको ग्रैब किया और वो पहुंच गई थी फाइनल में। तो हर एक ओपोनेंट के खिलाफ किस तरह की स्ट्रैटेजी है गौतम गंभीर की एज अ मेंटोर, वो श्रेयस अय्यर बता रहे हैं। चलिए पैट कमिंस क्या कह रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। पैट कमिंस का स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आंकड़े किसी निर्णय को लेने में एक पक्ष होते हैं, उनसे फैसला लेने में मदद मिलती है, लेकिन अगर आपको अंदर से क्या लग रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, यह कहीं ज्यादा मजबूत है। अब भाई क्या है कि पैट कमिंस हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर और माइंड गेम में बहुत माहिर होते हैं कंगारू खिलाड़ी, और ये एक तरीके का माइंड गेम है जहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही स्टैट्स कोलकाता के पक्ष में है, भले ही तमाम वो आंकड़े जो इस सीजन के हैं या पुराने सीजन के हैं जिस पर आगे हम चर्चा भी करेंगे वो कोलकाता के पक्ष में है, लेकिन मैच के दिन, खिताब के लड़ाई के दिन मैटर ये करता है कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। सिर्फ आंकड़े जो है वो किसी एक फैसले को लेने में मदद जरूर करते हैं, लेकिन असली कहानी जाकर शुरू होती है वहां जहां आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपके इंट्यूशन क्या कह रहे हैं, और वो पॉजिटिव जरूर होंगे। जिस तरह से अभी हम आपको बता रहे थे कि उन्होंने अपनी कप्तानी में पहली बात ऑस्ट्रेलिया के लिए एशेस को रिटेन किया, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जिस तरह से उन्होंने भारत को हराया, और फिर वर्ल्ड कप में जिस तरह से पिछले साल नवंबर में भारत को हराया, तो फाइनल खिताब, फाइनल मैच जीतने की जो कुछ अलग टिप्स होते हैं वो टिप्स इस कप्तान को बहुत अच्छी तरह पता है, और शायद ये एक हैदराबाद का बहुत मजबूत पक्ष है जिस पर लगातार चर्चा भी हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमेशा की तरह आपको इस बुलेटिन में जो हम बताते आए हैं पिछले 2 महीने तक आपके जो हमने कवरेज जिस तरह से की उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। बताते हैं आपको कि कोलकाता ने पहले क्वालिफायर में हराया था हैदराबाद को, यही जिक्र मैं कर रहा था। इसके अलावा लीग स्टेज में कोलकाता की टीम पहले पायदान पर थी, कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में 20 पॉइंट थे, 9 जीत 3 हार 2 मैच बेनतीजा, और चेन्नई, पंजाब और राजस्थान ये वो 3 खुशनसीब टीमें हैं कहना चाहिए जिन्होंने इस सीजन में कोलकाता के खिलाफ जीत का स्वाद चखा, वरना कोलकाता ने यह स्वाद ज्यादातर टीमों को चखने का मौका नहीं दिया। हां, खुद जरूर 9 बार यह स्वाद चखा। अगर इस सीजन में आप कोलकाता नाइट राइडर्स के यूएसपी को देखेंगे, उनके सबसे ज्यादा पॉजिटिव पक्ष को देखेंगे, तो वो रहा उनकी कंसिस्टेंसी। ये इकलौती टीम रही इस सीजन की, चाहे आप फाइनल में आने वाली दूसरी टीम की भी बात कर ले, उस टीम में भी एक बार आपको ब्रेक लगता दिखाई दिया। प्लेऑफ से पहले ऐसा हुआ जब हैदराबाद की टीम का वो जो जीत का ग्राफ था वो थोड़ा सा अप डाउन होना शुरू हुआ, लेकिन कोलकाता की टीम एक ऐसी टीम रही पूरे सीजन में जिसने किसी भी स्टेज पर, चाहे वो लीग स्टेज के शुरुआती मैचेस हों, चाहे वो जब लीग बीच में पहुंचती है वहां हो, और चाहे फिर आखिर के मैचेस हों जहां पर तनाव, टेंशन सब कुछ बढ़ चुका होता है, वहां पर कोलकाता की टीम बिल्कुल एक ही जैसा परफॉर्मेंस करते आई, लगातार अच्छा खेलती आई, और इसी कंसिस्टेंसी का नतीजा है कि 9 जीत उसके खाते में है और सिर्फ 3 हार, यानी एक हार पर 3 जीत उसके खाते में है। 2 मैच नतीजा नहीं निकला इसलिए वहां पर पॉइंट 1-1 बढ़ गए। अब बात कर लेते हैं दूसरे फाइनलिस्ट यानी हैदराबाद की टीम की। पहले क्वालिफायर में कोलकाता से हार गई थी हैदराबाद की टीम, लेकिन टॉप 2 में जो रहने का फायदा होता है वो फायदा हैदराबाद की टीम को मिला। हम हैदराबाद का जो सफर रहा है वो एक बार उसका रिकैप कर रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए जहां हम आपको बता रहे हैं। याद कीजिए, हम शुरू से इसी स्टूडियो से, इसी सेट से लगातार कहते थे ना कि टॉप 2 में रहने वाली टीम को फायदा होता है, वही फायदा मिला सनराइजर्स हैदराबाद को। पहले क्वालिफायर में यह टीम हार गई थी, लेकिन उसके बाद जब एलिमिनेटर में राजस्थान ने बेंगलुरु को हराया और वो पहुंची क्वालिफायर 2 में, तो वहां राजस्थान को हराया सनराइजर्स हैदराबाद ने, वरना कोलकाता की टीम के खिलाफ क्वालिफायर 1 में उसको हार का सामना करना पड़ा था। लीग स्टेज में इस टीम के खाते में 8 जीत आई, 8 जीत से उसके पास 16 अंक थे, एक मैच इस टीम का भी बारिश की भेंट चढ़ गया था तो उसके 17 अंक रहे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस टीम को 5 हार का सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो इस
पूरे के पूरे सीजन का आप कह सकते हैं एक बड़ी पिक्चर रही, वो रहा 250 प्लस रन का स्कोर, और वो 250 प्लस रन के स्कोर को 3 बार हासिल किया इस टीम ने, जिसके खिलाड़ियों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, और ये उसके नायक हैं यानी ट्रेविस हेड, जिनको आप देख रहे हैं जो थम्स अप दिखा रहे हैं। 3 बार, पहली बार ये कमाल किया था इस टीम, ये अभिषेक शर्मा है जिनको अब आजकल ट्रेविशेक कहा जाने लगा है, मतलब विरुष्का और कुलचा ये सब तो आपने सुना होगा, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर ट्रेविशेक का मतलब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में से दोनों शुरुआत में तो सलामी जोड़ी के तौर पर नहीं खेल रहे थे, लेकिन बाद के मैचेस में इस दोनों बल्लेबाजों ने एज अ ओपनिंग पेयर हैदराबाद को कमाल की परफॉर्मेंस दी है। पहला मैच जो हम बता रहे हैं 250 प्लस के स्कोर में अगर आप जाएंगे, पहला मैच मुंबई के खिलाफ जिसमें इस टीम ने बनाए थे 277 रन, वो आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। हालांकि उस मैच में इन दोनों बल्लेबाजों ने यानी ट्रेविशेक ने ओपनिंग नहीं की थी, उस मैच में मुझे याद है मयंक अग्रवाल ओपनिंग कर रहे थे। उसके बाद अगला मुकाबला होता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, और वहां पर यही हैदराबाद की ओपनिंग पेयर जो है, यही सलामी जोड़ी जो है, अपने ही 277 रन के रिकॉर्ड को तोड़ती है, पहुंचा देती है 287 रन पर, जो आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर हो जाता है। और उसके बाद अगला मैच जब 250 प्लस का स्कोर बना वो था दिल्ली के खिलाफ, जहां दिल्ली के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों ने 266 रन जोड़े थे और कमाल की बल्लेबाजी की थी। और भूलिएगा नहीं, वो मैच कौन भूल सकता है भला इस सीजन का, वो भी इस सीजन की एक बड़ी हाईलाइट है, जब 166 रन का टारगेट दिया था लखनऊ ने हैदराबाद को, और इन्हीं दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 9.4 ओवर में, मतलब सोचकर किसी गेंदबाज को जाकर आप ये कहेंगे ना उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये आप जान लीजिए, 9.4 ओवर में अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड ने बनाए थे 167 रन, और इस तरह से अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और उसके बाद वो तस्वीर तमाम लोगों ने देखी थी, करोड़ों लोगों ने देखी थी, जब लखनऊ के मालिकान जो है वो केएल राहुल पर थोड़ा गुस्सा हो रहे थे, थोड़ा झुंझला रहे थे, हालांकि बाद में ऐसी खबरें आई थी कि नहीं सामान्य बातचीत चल रही थी, वो एक अलग विषय है, आज उसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उस पर हम नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने बुलेटिन में और ये बताते हैं आपको कि इन दोनों टीमों का, जब हम शुरुआत में कह रहे थे कि कोलकाता का पलड़ा भारी है, क्यों भारी है, क्योंकि आंकड़े, अब इसी आंकड़े का खेल वो पैट कमिंस अपने बयान में कह रहे हैं कि 27 मैचेस खेले गए हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में सिर्फ 9 जीत है, जबकि कोलकाता को उनसे दो गुनी 18 मैचेस में जीत मिली है। और क्वालिफायर 1 में भी अगर आप बात करेंगे तो केकेआर ने एसआरएच को 8 विकेट के कंफर्टेबल मार्जिन से हराया था, यानी निश्चित तौर पर अगर आप आंकड़ों के साथ जाएंगे, अगर आप आंकड़ों के शौकीन हैं, अगर आप आंकड़ों से अपने फैसले लेते हैं, तो आप आंख मूंद कर कहेंगे कि कोलकाता का पक्ष जो है, कोलकाता का पलड़ा जो है वो भारी है, 1 के मुकाबले 2 जीत है उधर, यानी हैदराबाद ने अगर 1 मैच जीता है तो कोलकाता ने 2 मैच जीता है। चक दे इंडिया का शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा है, वो 1 मारेगा तुम 2 मारना, उस तरह की मामला है यहां पर। लेकिन यहां जो बात पैट कमिंस ने कही है, कहीं ना कहीं वो बात वैज्ञानिक भी है। आंकड़े आपको एक तस्वीर बनाने में मदद जरूर करते हैं, लेकिन वो सही तस्वीर होगी, वही एक्यूरेट तस्वीर होगी, ऐसा होता नहीं। आंकड़े कई बार बहुत कुछ बताते हैं तो बहुत कुछ छिपा भी लेते हैं, लिहाजा फैसला जो होगा आज इस बात से कि कौन सी टीम ज्यादा बेहतर खेलेगी, कौन सी टीम अपने इमोशंस को ज्यादा बेहतर कंट्रोल करेगी, और कौन सी टीम विरोधी टीम के खिलाफ बेहतर परफॉर्म करेगी। लीजिए वो आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर है, कोलकाता के खिलाफ हैदराबाद का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 228 रन का है, सबसे कम स्कोर 115 रन का है। ऐसे ही अगर आप हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता का हाईएस्ट स्कोर देखेंगे तो वो 208 रन का है, जबकि जो लोएस्ट स्कोर है वो 101 रन का है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अब जब आप इस स्टैट्स पे आते हैं तो आपको लगता है कि वाकई भले ही 9 जीत हैदराबाद के खाते में है और 18 कोलकाता के पास, लेकिन ये आंकड़ा बताता है कि टीमें जब हाईएस्ट पर गई हैं तो भी लगभग लगभग आसपास रही हैं, जब लोएस्ट पर आई हैं तो भी लगभग लगभग आसपास पे रही हैं। भाई 208 और 228 20 रन का फासला है, 101 और 115 14 रन का फासला है, यानी जब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की हिस्ट्री में तो 20 रन का गैप है और जब सबसे खराब खेले तो 14 रन का गैप है। मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ 2020 के फॉर्मेट के लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये मैटर करने वाला, इंपैक्ट डालने वाला फर्क है दोनों टीमों की हाईएस्ट और लोएस्ट परफॉर्मेंस में। बड़ा मजा आने वाला है क्रिकेट फैंस को, और ये जो कांटे की टक्कर की लड़ाई हम बात कह रहे हैं वो तो आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर फाइनल में, मतलब 22 मार्च को शुरू हुआ था ये सीजन,
22 मार्च से लेकर आज तक अगर ये टीमें बिल्कुल बिना ब्रेक लगाए पहुंची हैं फाइनल तक, तो निश्चित तौर पर इस सीजन की ये दो बेहतरीन टीमें हैं और दोनों ही अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी फाइट देंगी, इस बात की उम्मीद हर किसी को रहेगी। अब आ जाते हैं उस पक्ष पर जिस पर आपकी निगाहें सबसे ज्यादा रहती हैं, यानी पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट जो हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है, खासतौर पर चेपॉक की पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर रही है। आज का मैच लाल मिट्टी वाली पिच पर होगा, सभी तरफ की बाउंड्री लगभग बराबर मिलेंगी, इस बात को मैं अभी इलेबरेट भी कर दूंगा। 83 में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं 47 मैच और तापमान में गिरावट की वजह से ओस के भी आसार हैं। मौसम के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जो पिच रिपोर्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ संकेत छुपे हुए हैं। पहला तो ये कि लाल मिट्टी की पिच पर खेली जाएगी, यानी ये वो पिच नहीं है जहां पर पिछला मुकाबला इस मैदान पर खेला गया था, यानी यहां पर रन्स ज्यादा बनेंगे, इसका अच्छा खासा जो संकेत है वो दिखाई दे रहा है। चूंकि ये जो लाल मिट्टी वाली पिच है, आप देखते होंगे जब आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं मैच को, तो आप देखते होंगे कि कई पिचें बीच में दिखाई देती हैं, वो बहुत ही मामूली फर्क होता है पिच के बीच की जो दूरी होती है, मतलब कुछ एक छोटे छोटे अंतराल पर पिचेस बनी होती हैं। इस पिच पर जहां उससे फर्क क्या पड़ता है, ये आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये आपकी पिच है और अगर आपने यहां से मैच खेला तो आपकी बाउंड्री इधर की भी बराबर है और इधर की भी बराबर है, लेकिन अगर यही पिच यहां वाली हो गई तो फिर आपकी इधर की बाउंड्री जो है वो करीब हो जाती है, यही फर्क है। आज का मैच जो है वो लगभग कह सकते हैं आपकी मैदान के बीचों बीच जो विकेट है उस पर है, यानी वो जो बल्लेबाज किसी एक बाउंड्री को टारगेट करते हैं कि अगर मुझे इधर की विकेट, इधर की बाउंड्री करीब मिल रही है और इधर मैंने शॉट मारा और अगर वो मिसटाइम भी हुआ थोड़ा सा तो भी जो फील्डर है उसकी पकड़ में नहीं आएगा। आज ऐसा कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का विकेट जो है वो बाउंड्री हर तरफ से लगभग लगभग बराबर है, तो आज ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। ये देखिए, हमने आपसे वादा किया था मौसम के बारे में बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। कल शनिवार को प्रैक्टिस थी केकेआर की टीम की, लेकिन उसको रद्द करना पड़ा। क्यों रद्द करना पड़ा? क्योंकि लगभग एक घंटे तक बारिश होती रही चेन्नई में और आज ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा रहने वाली है। अब आप अगर थोड़े मायूस हो रहे हो तो मायूस मत होइए, क्योंकि वो बारिश जो है वो कल ही थी, आज बारिश के आसार नहीं है। आज जो मौसम है वो खुला रहेगा और तमाम जो मौसम का अपडेट देने वाले स्रोत हैं उन स्रोतों के हिसाब से अगर बारिश की संभावना है तो वो भी सिर्फ 5%। तो 5% बारिश के अगर आसार हैं तो उसमें हमें, आपको या वो तमाम क्रिकेट फैंस जो अपने अपने घरों में भारत के हर हिस्से में और बल्कि भारत के बाहर भी, क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, तो भारत के बाहर भी जो लोग इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए आंखें गड़ाए बैठे हैं वो मायूस ना हो। सिर्फ 5% चांसेस है कि बारिश होगी, और बारिश अगर होगी भी तो वो मुकाबले को धोएगी नहीं, ये बात कंफर्म है। हाँ, कल जरूर, जैसा हम आपको बता रहे हैं अपनी इस खबर में, कि कल जरूर कोलकाता की टीम को जो है वो अपना प्रैक्टिस सेशन जो है वो रद्द करना पड़ा। अब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस की जो बात हम कर रहे हैं और तापमान में गिरावट की जो बात कर रहे हैं, उसका सीधा संबंध ओस से भी है, ह्यूमिडिटी भी रहेगी। ये सब देखते हुए आप ये समझ लीजिए कि टॉस का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हो सकता है टीमें जो है वो पहले गेंदबाजी करना प्रेफर करें। और हालांकि फाइनल मैच जो होता है, हमेशा से आप उठाकर देखिएगा, उसके लिए कहा जाता है टॉस जीतो पहले बल्लेबाजी करो, बिल्कुल फ्री माइंड से स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर बना दो और उसके बाद सामने वाली टीम पर इस बात का प्रेशर डालो कि हमने ये रन बनाए हैं और आपको ये रन अभी बनाने हैं और हम आपको इस रन को बनाने तक नहीं जाने देंगे, इस लक्ष्य तक नहीं जाने देंगे, हमारे गेंदबाज आपको पहले रोक देंगे। ये दबाव जो है ना, ये दबाव बड़ा क्रूशियल हो जाता है फाइनल मैचेस में, खासतौर पे, क्योंकि हमेशा दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये मैच अगर गया तो सारी की सारी मेहनत जो हमने की थी ना पूरी, वो मिट्टी में मिल जाती है, फिर आप विनर नहीं रनर्स अप रह जाते हैं। और रनर्स अप को, मतलब हम आप याद कर लें, चूंकि हमारा तो काम है रोज का क्रिकेट कवर करना, तो हम तो याद रखते हैं, लेकिन क्रिकेट फैंस नहीं याद रखते। उन्हें यही याद रहता है कि 5 बार चेन्नई ने खिताब जीता है, 5 बार मुंबई ने खिताब जीता है, 2 बार कोलकाता ने खिताब जीता है, या 2 बार डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद ने खिताब जीता है सनराइजर्स के नाम से मिला के। ये 5 बड़ी बातें, केकेआर की टीम फाइनल की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करेगी, करने की जरूरत भी नहीं है, और यही संकेत वहां से मिले भी हैं। आज वैभव अरोड़ा एक बार फिर
इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दिखाई देंगे। मिचेल स्टार्क ये खिलाड़ी भी कमाल का है। इस खिलाड़ी की काबिलियत पर बड़े प्रश्न उठे थे और वो प्रश्न इसलिए उठे थे कि बहुत भारी कीमत देकर कोलकाता की टीम ने इस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल किया था। शुरुआत में उस तरह से विकेट नहीं मिले, शुरुआत में उस तरह से गेंदबाजी का जो इकोनॉमी रहा वो भी अनकंट्रोल्ड था, महंगे साबित हो रहे थे, उंगलियां उठ रही थी, लोग कह रहे थे कि भैया ये तो फिर वही हो गया कि ऊंची दुकान के फीके पकवान, बड़ा बड़ा पैसा लेकर आ गए, अपना बैंक बैलेंस बहुत बड़ा अच्छा कर लिया, रिच कर लिया, लेकिन टीम के किसी काम के लिए नहीं आ रहे। मिचेल स्टार्क ने कहा, अरे हुजूर रुकिए, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी जरा आने दीजिए मैचेस। और बाद के मैचेस में उन्होंने वो करके दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद थी। मिडिल ऑर्डर पर होगी जिम्मेदारी। मिडिल ऑर्डर में आप जब बात करेंगे तो यहां पर दो खिलाड़ी बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। आंद्रे रसेल जो कैरेबियन तड़का लगाते हैं इस लीग में, और उसके साथ साथ रिंकू सिंह जो पिछले सीजन में यानी 2023 में कोलकाता की टीम के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ियों में थे। इस सीजन में गौतम गंभीर की बदली हुई रणनीतियों में थोड़ा सा ये देखने को मिला कि उनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको उस तरह से मौका नहीं मिला जिस तरह से पिछले सीजन में मिला था। वजह बिल्कुल सीधी है, सुनील नारायण ओपन कर रहे हैं, उनके साथ फिल सॉल्ट थे जो अब नहीं है वैसे तो, लेकिन फिल सॉल्ट और सुनील नारायण ने बहुत कमाल की ओपनिंग की और उस तरह से रन जोड़े जिसके बाद मिडिल ऑर्डर में उस तरह से ना तो रन्स बनाने का मौका मिला और ना उतना ओवर्स ही मिले कि वो खेले। रहमानुल्लाह गुरबाज का जो नाम आप आखिरी लाइन में देख रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अभी जो मैं जिक्र कर रहा था फिल सॉल्ट का, उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी वो उठा रहे, तो बड़ा दिलचस्प होगा मिडिल ऑर्डर का भी देखना और साथ ही साथ इस फाइनल के प्लेइंग 11 में किस तरह से केकेआर की टीम बिना चेंजेस के जाती है, किस स्ट्रेटजी को हम जो बात कर रहे हैं वो अपनाती है इंपैक्ट प्लेयर को लेकर। मोटा मोटा जो हमने आपको ये 5 पॉइंट्स बताए हैं, चीजें इसी के आसपास ही रहेंगी क्योंकि हम बहुत रिसर्च करके ये सारी चीजें आपके लिए निकाल कर ले आते हैं। लेकिन अगर हो सकता है शायद एक अटेम्प्ट करें पिच देखने के बाद कोई कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर या फिर मेंटोर के तौर पर गौतम गंभीर कि कोई एक प्रयोग कर लेते हैं। और इंपैक्ट प्लेयर चूंकि टॉस का रोल थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि बहुत क्रूशियल होगा, और टॉस के रोल को ही थोड़ा सा बराबरी में लाने के लिए उसके लिए ही इंपैक्ट प्लेयर का नियम है, तो वहां कुछ हो सकता है। चलिए हैदराबाद की टीम की तरफ बढ़ जाते हैं। हैदराबाद की टीम के लिए 5 बड़ी बातें क्या है, ये बहुत विस्तार से मैंने इसकी चर्चा की कि अगर कोई चीज वाकई हैदराबाद के पक्ष में है तो वो है उसका 250 प्लस का 3 बार बनाया गया स्कोर, यानी 3 बार इस सीजन में हैदराबाद की टीम ने वो काम किया है जो काम 250 प्लस का रन बनाने का है। और यही इस मैच में आप याद रखिएगा, इस शो के बाद, आज के दिन के बाद, आईपीएल खत्म होने के बाद इस सीजन के, आप याद रखिएगा कि ये जो इस 5 पॉइंट्स में ये जो दूसरा पॉइंट है, ये जो तीसरा पॉइंट है, यही आज के मैच में जो है वो नतीजे को तय करेगा। और पॉइंट्स क्या है, इस सीजन में 3 बार 250 प्लस का स्कोर बनाया है हैदराबाद की टीम ने, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 क्या है, दोनों ओपनर्स ने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। 200 प्लस की स्ट्राइक रेट का मतलब कि अगर 100 गेंद खेलेंगे तो 200 रन बनाएंगे, 5 गेंद खेलेंगे 10 रन बनाएंगे, 10 गेंद खेलेंगे 20 रन बनाएंगे, तो ये बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक रेट होती है। 150 के आसपास की स्ट्राइक रेट को T20 के फॉर्मेट में डिसेंट स्ट्राइक रेट माना जाता है, लेकिन यहां कहानी 150 से काफी आगे की है। अब जो डर है वो इसी बात का है कि पिछले 2-3 बड़े मुकाबलों में ये ओपनर्स फ्लॉप रहे हैं, इसीलिए हैदराबाद के मिडिल ऑर्डर का उस तरह से टेस्ट ही नहीं हुआ, ओपनर्स नहीं अपना काम कर दिया। अभी मैं आपको बता ही रहा था कि मुंबई के खिलाफ 277, बेंगलुरु के खिलाफ 287 और दिल्ली के खिलाफ 266 और 167 रन का लक्ष्य लखनऊ के खिलाफ 9.4 ओवर में करने वाले खिलाड़ियों की बात ही हम पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में कर रहे थे। तस्वीरें भी उनकी देख लीजिए, ये दो स्टार्स हैं। अगर ये दो स्टार्स आज भी चल गए तो यही शायद हैदराबाद का सबसे बड़ा यूएसपी होगा, वरना कहीं ना कहीं आंकड़े भले ही पैट कमिंस कह रहे हैं कि वो उतने रेलिवेंट नहीं होते, रेलिवेंट गट फीलिंग होती है, रेलिवेंट इंट्यूशन होते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप आंकड़ों को लेकर चलेंगे तो फिर कोलकाता का पलड़ा जो है वो बहुत ज्यादा भारी है, और अगर उस भारी पलड़े को कोई बराबरी पर ला सकता है,
आप तराजू देखते हैं ना, तराजू में एक तरफ आप रख दें 10 किलो का वेट और दूसरी तरफ रख दें 2 किलो का वेट, तो जो 2 किलो का वेट है वो हमेशा ऊपर रहेगा, 10 किलो वाला नीचे रहेगा। लेकिन अगर आप वहां पर 8 किलो का कुछ और लाके रख दें तो वो बराबरी पर आएगा। तो वो जो 8 किलो है, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ही है। अगर वो नहीं चली तो फिर ये जो 2 और 10 तो नहीं, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि 70-60-40 जैसा एक रेशियो है, 60-65% मैच जो है वो कोलकाता की टीम की तरफ पड़ रहा, उसका भारी दिखाई दे रहा है आंकड़ों के लिहाज से, इस सीजन में परफॉर्मेंस के लिहाज से। और साथ ही साथ ये भी तो जान लीजिए कि मैच चेन्नई में है, हम लोग यही तो बात कर रहे थे लगातार। और चेन्नई में मैच होने का मतलब क्या होता है? चेन्नई में मैच होने का मतलब होता है स्पिनर्स का बहुत शानदार रोल। अब जब इस पॉइंट पर आप आएंगे तो जरा अभी फिर उसी तराजू पर जाइए, एक तरफ आप रखिए सुनील नरेन को और वरुण चक्रवर्ती को। वरुण चक्रवर्ती इस सीजन में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं, सुनील नरेन भी 15 या 16 विकेट ले चुके हैं। दूसरी तरफ आप रखिए शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा को, यानी सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिनर्स को। दोनों फुल टाइम स्पेशलिस्ट स्पिनर तक नहीं है, तो अगर चेन्नई की विकेट पे स्पिन का काम हुआ तो फिर आप समझ लीजिए कि तराजू का पलड़ा फिर ऐसे ही होगा। और अगर उसको फिर आप ऐसे करना चाहते हैं, बराबरी पर लाना चाहते हैं, तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को चलना होगा। और चेन्नई की टीम कितनी बार जीती है खिताब? 5 बार। आप जानते हैं ना, चेन्नई की टीम के लिए कहा जाता था कि चेपॉक स्टेडियम तो भाई उसका गढ़ है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में हारते नहीं है। और याद कीजिएगा चेन्नई के पास कौन कौन से स्पिनर्स थे शुरुआत के सीजन में, आप चले जाइए आर अश्विन, उसके बाद आ जाइए मिचेल सेंटनर, उसके बाद आ जाइए रविंद्र जडेजा, उसके बाद आ जाइए मोइन अली, उसके बाद आ जाइए महेश तीक्ष्णा। तो अगर चेन्नई की टीम ने क्वालिटी स्पिनर्स के साथ 5 बार इस खिताब को जीता है और उसमें उसके होम मैचेस का, यानी चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम का जो रिकॉर्ड रहा है वो शानदार रहा है, तो वो पक्ष आज के फाइनल में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उस कसौटी पर जब आप आते हैं तो जैसा मैंने बताया कि वो मैच बहुत ही अनइवन दिखने लगता है, क्योंकि एक तरफ आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं जो पर्पल कैप की रेस में भी है, तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी वही हैं इस सीजन में, शायद 4 विकेट चाहिए, अगर 4 विकेट ले लेंगे तो वो बराबरी कर लेंगे हर्षल पटेल की जो अभी पर्पल कैप में है। लेकिन अगर इस बात को हटा भी दिया जाए, पर्पल कैप से हम हट भी जाएं, देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, वेद जी ने डाल भी दिया पर्पल का ग्राफिक्स, पर्पल कैप का 24-20-20-20 है, 4 पर आ जाएंगे तो बराबरी पर आ जाएंगे। तो ये एक, और ये कोई बहुत असंभव सा टास्क नहीं है, इसी लीग में जसप्रीत बुमराह ने एक मैच में 5 विकेट भी लिया हुआ है, तो ये एक मजेदार लड़ाई भी यहां चलती रहेगी, तो ये लड़ाई भी देखिएगा। लेकिन स्पिनर्स के कद के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से बात की जाए तो कोलकाता की टीम कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है अपनी विरोधी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। चलिए इस मैच पर हम तो पिछले 2 महीने की तरह, 2 महीने से बल्कि ज्यादा वक्त की तरह, जैसे हमने आपको हर एक अपडेट दिया इस लीग का, वो चाहे मैचेस के नतीजे हो, चाहे मैचेस के प्रीव्यू शो हो, चाहे रिव्यू शो हो, कप्तानों के बयान हो, कोई मैदान के बाहर की हलचल हो, वो सब कुछ खबरें, वो सब कुछ अपडेट्स हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आए। आपको हमारी ये पूरी कवरेज कैसी लगी जरूर बताइएगा हमें। हालांकि ये बता दें कि अभी कवरेज खत्म नहीं हो रही है, अभी जब शाम का समय आएगा, जब मैच थोड़ा और करीब पहुंचेगा, तो हम एक ग्रैंड शो लेकर आएंगे इसी स्टूडियो से और बेहतरीन ग्राफिक्स के साथ और इनडेप्थ एनालिसिस के साथ, उस शो को भी जरूर देखिएगा। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि अब चूंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी कवरेज की तैयारी भी हम शुरू करने जा रहे हैं। कहीं इस कवरेज में आपको कोई कमी दिखाई दी हो, कोई आपका सजेशन हो, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, हम भी परफेक्ट नहीं है, जरूर कोई ना कोई कमी हमारी रही होगी, आप हमें बताइए कि हमारी कमी क्या थी। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए, जरूर बताइए कि हमने क्या गलतियां की, हम उन गलतियों को जरूर सुधारेंगे। इसी के लिए हम मेहनत भी करते हैं और कोशिश यही करेंगे कि और बेहतर और तेज कवरेज लेकर आए T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वहां पर एक बार फिर सपना तो हम यही देख रहे हैं ना कि ICC ट्रॉफी का इंतजार खत्म होगा। चलिए बहरहाल आज जो इंतजार खत्म होगा वो क्रिकेट फैंस का खत्म होगा और IPL को नया चैंपियन मिलेगा। वो चैंपियन कौन होगा, कौन सी टीम तीसरी बार इस खिताब को जीतेगी, कोलकाता की या हैदराबाद की, पूरा विस्तार से कवरेज शाम को हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। के लिए NBC बियरिंग्स 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।
अप्लाई कहाँ मिलेगी?